नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम भोजपुरी आवाज हम बानी कार्यक्रम संचालक भौज प्रसाद यादव। देश में भइल अनेकन राजनीतिक आंदोलन आ संघर्ष के परिणाम के स्वरूप में जौन संविधान आयल बा, उस संविधान में महिला, पुरुष, मदेशी, आदिवासी, जनजाति, सब समुदाय, सब वर्ग के हक हित के संरक्षण करल गई। वही तरह नेपाल के जनसंख्या के आधा से बेसी रहल महिला लोग के भी नेपाल के संविधान में हक अधिकार के सुनिश्चित करल गई बा। नेपाल के राष्ट्रीय जनगणना 2068 के मुताबिक नेपाल के जमा जनसंख्या में से महिला लोग के जनसंख्या 51.5% यानी 1,36,45,463 देखल गई। वही तरह पुरुष के संख्या 48.55% यानी 1,28,49,141 देखल गई। परिवार से लेके समाज के विकास में महिला लोग के महत्वपूर्ण स्थान भइला के बाद भी राज्य के हरेक क्षेत्र में महिला लोग के सहभागिता न्यून देखल गइल बा। हमनी के समाज परंपरा से ही पुरुषवादी रहते आ रहल बा। महिला लोग के उपस्थिति के कानूनी रूप में मान्यता दिला के बाद भी हमनी के समाज में पुरुष और महिला के भूमिका, कामकाज आ अधिकार परंपरा से ही सीमांकित देखल गइल बा। प्राचीन काल से ही महिला लोग के साथ भेदभाव होते आइला के कारण से साक्षरता, उच्च शिक्षा, सार्वजनिक ओहदा समय भी पुरुष के सरह महिला लोग के समान सहभागिता नहीं खे देखल गए, जकरा कारण से पुरुष के तुलना में महिला लोग पछाड़ू पड़ते आ रहल, जकरा कारण से नीतिगत, कानूनी आ व्यवहारिक प्रयास के बाद भी आजू महिला लोग के उन्नति आ प्रगति में आशा कैल जितना सफलता नहीं खे मिला। तब पर भी महिला लोग के औसत आयु, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता के अवस्था में सापेक्षिक सुधार देखल गई। जितना होके के चाहिए उतना नहीं खेल तराई मधेश में ओकर विभिन्न कारण बा, वजह बा, काहे कि वहाँ जौन संस्कार बा, एगो रीति रिवाज रूढ़िवादिता, जौन शिक्षा में कमी, ये सब के कारण वहाँ महिला लोग के अवस्था में ज़्यादा जल्दी सुधार नहीं किया। लेकिन फिर भी पहले के अपेक्षा आई मीन बहुत अच्छा सुधार बा। महिला लोग बहुत सक्रिय राजनीतिक में, शिक्षा क्षेत्र में देखी, टीचर में भी महिला लोग बहुत ज़्यादा बा। अभी हमने के डॉक्टर महिला बा, नर्स में महिला लोग बा, इंजीनियर लगाए विभिन्न क्षेत्र में, लोकसभा आयोग में महिला लोग के सहभागिता अभी बा, प्रहरी में भी अब मधेशी कोटा से महिला लोग आ रहा बा। वही से पहले के अवस्था में अभी सुधार भइल बा। गत साल के तथ्यांक देखल जाए तो डाइन के आरोप में 89, बलात्कार में 238, बलात्कार के प्रयास में 139, बहुविवाह में 337, मानव बेट बिखन अवसार पसार में 125, महिला हिंसा में 2,496 एवं दुर्व्यवहार में 93, गर्भपतन में 3 कह के जमा 3,588 घटना महिला के साथ जुड़ल गई देखल गई बा। कहल जला कि एगो औरत शिक्षित भइला पर पूरा परिवार ही शिक्षित हो जला। कुछ दशक एने समग्र रूप में साक्षरता के दर में उल्लेख्य रूप में वृद्धि भइला के बाद भी हमनी के समाज में बहुत कमे लोग शिक्षित भइल देखल गई बा। नारी के तो आगे बढ़ल शिक्षित होए के जरूरी बा। अब नारी सबके तो हम अपीले करे तानी कि अपने सब पढ़ू पढ़ू और समाज के खातिर एगो निमन नागरिक बनू, प्रेरणादायक बनू। कानून तो मुल्क में भी अपने के जनती कति लेने मतलब कितना कम बा, भोज इतना हजार तक मात्र पैसा ले जाएंगे, विभिन्न उसके व्यवस्था कानून में बा, एकदम साधारण तरीका ले बिहे करने सब बा। लेकिन ओकरा के कड़ाई के रूप से ओकरा प्रयोग हमने के करने की सकत, काहे कि हमने के समाज ऐसा बा कि एकदम भोज भतेर में एकदम ज़्यादा खर्च करे के देखावटी प्रवृत्ति बा।
एकरा के कंट्रोल करे के कोनो मेकानिज्म भी नहीं खे एकदम पूरा कंट्रोल करे के मेकानिज्म नहीं खे वैसे हमारे विचार में जौन मुल्की इनमें जौन व्यवस्था बा बिया के इनको के कितना जाना उनमें कुछ परिवर्तन कह के अब एक आम जाना तो एकदमे उतना न्यून बा उतना तो अब तराई में अपन कल्चर बा सब अपन अपन कल्चर अनुसार ओकरा तो नहीं कुछ ओकरा ओकरा परिवर्तन करके समय सापेक्ष बना के ओकरा के ऐसा बनाओ कि वो लागू हो सके समाज में करके ओकरा के करल जाए तो अवश्य भी हमनी के कर सकता नहीं सन नया जेनरेशन खतरा ही निमन हो लेकिन अब ओकरा खतरा एगो स्ट्रांग एगो मैकेनिज्म चाहिए। सन 2001 के जनगणना में महिला लोग के साक्षरता दर 42.8% देखल गए रहे। वही तरह ओकरा 10 बरिस के बाद भइल जनगणना में महिला लोग के साक्षरता दर 65.9% देखल गए। इस दर के पुरुष के संख्या से तुलना कैला पर 11% से फर्क देखल जाला। राष्ट्रीय जनगणना 2011 में पुरुष लोग के साक्षरता प्रतिशत 71.1 देखल गई है। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक लगायत के क्षेत्र में पुरुष के तुलना में महिला लोग के पहुंच बहुत कम देखल गई। नेपाल के जमा जनसंख्या के आधा से बेसी रहल महिला लोग राज्य के हरेक क्षेत्र में पिछड़ल बा। परंपरागत रूप में जात पात के भेदभाव कम उम्र में विवाह शादी बेटी से ज्यादा बेटा के महत्व देवे के जैसन कारण से महिला लोग के अवस्था स्थिर देखल गइल बा कह के कहल जाला। आर्थिक स्रोत नहीं के शिक्षा नहीं के ये कारण दू चीज से पछाड़ी पड़ल बा। लैंगिक असमानता साधना स्रोत के अवसर लगायत में कमी के कारण औरत लोग पछाड़ू बा। नेपाल के संविधान में महिला लोग के हक अधिकार के सुनिश्चित कैला के बाद भी ओ लोग के अवस्था सोचल के मुताबिक अगाड़ू ना बढ़ रहा बा। वही तरह अंतरराष्ट्रीय कानून में भी महिला लोग के पुरुष के सरह हरेक क्षेत्र में समानता होय के चाही कह के बहुत घोषणा पत्र सभी जारी करल गेल बा। उहे राष्ट्रीय आ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सब द्वारा जारी करल गेल घोषणा पत्र सब के आधार पर कानून बनावे के भी बहुत काम सब अगाड़ू बढ़ चुकल बा। अनिवार्य महिला के उपस्थित अनिवार्य उपस्थित लेकिन फिर भी जितना चाहे वो अनुसार नहीं के हमने के 51% चाहिए। अब धीरे धीरे हुई हमारे विचार में अभी 5-10 साल बाद भी एक परिवर्तन आदमी कर सकता अभी नहीं महिला के ही सशक्त बनावे के जरूरी बा। जौन महिला आइल बा अगाड़ी ई एगो एकदम महत्वपूर्ण महिला के जिम्मेवारी आइल बा। आ दोसर का बा कि महिला के तो ई सब जितना बा उ सब कितना तो निर्वाचन पे आइल बा कितना समानुपातिक से आइल बा। और सबसे जरूरी अभी का बात एगो महिला के निर्वाचन क्षेत्र एगो ओमे खाली महिले महिला लड़े हरेक पार्टी के वैसन भी एगो बनावल जरूरी बा। 2062-63 के जन आंदोलन के बाद समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से बहुत महिला लोग राजनीति में सक्रिय भइल। सांसद मंत्री प्रधान न्यायाधीश से लेके राष्ट्रपति तक बन चुका। नेपाल के संविधान लागू भइला के बाद बनल मंत्री परिषद समय महिला लोग के सहभागिता एक तिहाई कभी भी ना देखल गई। राजनीतिक दल सब द्वारा क्षमतामान महिला लोग से ज्यादा अपन नजीक के नातेदार चाहे राजनीति में कोनो दखल ना भइल आ नीति निर्माण में कोनो खास भूमिका ना देखल गईल महिला लोग के संविधान सभा में भेजल गई कह के महिला नेत्री लोग के ही आरोप देखल गई। स्थानीय तह के निर्वाचन में 40% महिला लोग जीतला के बाद भी अधिकांश लोग उप मेयर आ अन्य उप पद पर ही सीमित देखल गई बा। कानून द्वारा दिहल गई जगह पर कैसन महिला लोग के भेज के चाहे कह के जागरण अभी तक भी हमनी के समाज में नहीं खे देखल गए। महिला लोग के बीच पैर ताने वाला प्रवृत्ति भी महिला लोग के पछाड़ पड़े के एगो कारण देखल गई। एकरा में जे गुण छे जे हुनर छे ओकरा बाहर आना जरूरी छे। बहुत आदमी के अंदर बहुत गुण रहे छे लेकिन
पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलला के बाद कोई पाबंदी लग गया के बाद वो चीज के प्रकट नहीं कर सके छे। लेकिन अगर ये चीज के अगर सोचल जाए हम सबके यानी केकरो बेटी छे या केकरो बहू छे तो उनका सबसे यही कहे चाहे छे जे उनका के मौका दियो ताकि अहां ओकर त नाम रोशन होते तो होते अहां के कुल परिवार के नाम रोशन होते। और कोनो भी चीज दुनिया में खराब नहीं है छे, खराब है छे आदमी के सोच। सब दुनिया में सब कुछ अगर जेना लोग सोचे छे वने होय छे, जेना बढ़िया सोचते बढ़िए होते, खराब सोचते तो सोच पर डिपेंड पड़े छे। तो दोसर कोई की कहे छे उ नहीं सुने के चाहे के तो कोई आज तक केकरो पूर्ति नहीं कैल के कोनो भी चीज लोग करे छे, कोनो ऑफिस में कामे करे छे तो खुद के मेहनत करे छे तब कुछ पैसा आवे छे, कोई ओकर ओकर साटा में कोई कर त नहीं दे छे, खुदे करे पड़े छे। तो परिश्रम अगर हम खुद करबे ओकर फल भी हमरा खुदे मिले। देश में देखल जाय त एक वर्ष में 3 गो बड़का निर्वाचन सम्पन्न भई। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में प्रत्यक्ष में 6 आदमी आ समानुपातिक में 84 कह के जमा 90 गो महिला लोग के सहभागिता देखल गई। वही तरह प्रदेश सभा में प्रत्यक्ष और 17 आ समानुपातिक में 172 कह के जमा 189 महिला लोग के सहभागिता देखल गई। वही तरह राष्ट्रीय सभा में महिला लोग के सहभागिता जमा 21 गो देखल गई। महिला लोग के सहभागिता के हिसाब से देखल जाए तो स्थानीय निर्वाचन द्वारा स्थानीय स्तर में महिला लोग के उपस्थिति अच्छा खासा देखल गई। देश भर 7 गो प्रमुख, 276 गो उप प्रमुख सहित और अनेक पद समय जमा 14,308 महिला लोग विजय भई। महिला लोग के उपस्थिति जमा संख्या के 40.9% महिला के बाद भी महिला लोग के ज्यादा क के उप पद पर ही सीमित देखल गए। नेपाल में महिला लोग के इतिहास देखल जाए तो बहुत गौरवमय बा। महिला लोग के इतिहास में योगमया सहना प्रधान मंगला देवी सिंह लगायत के भूमिका महत्वपूर्ण देखल गई। योगमया द्वारा 1989 आषाढ़ 31 गते लिहल गई जल समाधि विद्रोह के ही नेपाल में महिला आंदोलन के पहल बिंदु के रूप में लिहल जाला। वही तरह 2003 साल में रेमंत कुमारी आचार्य की अध्यक्षता में आदर्श महिला समाज के स्थापना भारत के जयनगर में करल गई है। ओकरा 1 साल बाद 2004 साल में मंगला देवी सिंह के अध्यक्षता में नेपाल महिला संघ के गठन भई रहे। आदर्श महिला समाज नेपाल महिला संघ द्वारा राणा शासन, समाज में व्याप्त रहल बाल विवाह, अशिक्षा लगात के कुरीति के विरोध में डट के आवाज उठावल गए। 2007 साल के परिवर्तन के बाद मंगला देवी सिंह के अध्यक्षता में रहल नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेस के विचार के नजीक आ कामाक्षा देवी के अध्यक्षता में रहल नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिस्ट के साथ आबद्ध हो गए। वही तरह 2015 साल में 105 स्थान के लेल भइल निर्वाचन में 15 गो महिला लोग के उम्मीदवारी भइला के बाद भी जमा जमी 1 आदमी द्वारिका देवी ठकुरानी निर्वाचित भइल रहे, जिनकरा नेपाल के पहिल महिला मंत्री बने के सौभाग्य प्राप्त हुई। नेपाल के मंत्रिमंडल के इतिहास में महिला लोग के प्रतिनिधित्व एतहि से शुरू भइल। 30 वर्ष के पंचायती काल में एगो भी महिला मंत्री के सहभागिता ना देखल गई। संसद सचिवालय के तथ्यांक के मुताबिक अनेकन आम निर्वाचन के बाद महिला सांसद लोग के प्रतिनिधित्व बढ़ते जा रहल बा। संसद सचिवालय के अनुसार 2015 साल में 0.92%, 2048 साल में 3.41%, 2051 साल में 3.41%, 2056 साल में 5.73%, 2064 साल में 33%, 2070 साल में 29.9% महिला सांसद लोग की सहभागिता देखल गई। 2062-63 के आंदोलन के सफलता के बाद निर्माण भइल 330 सदस्यीय अंतरिम संसद में 57 गो महिला सदस्य लोग रहे।
जौन जमा जनसंख्या के 17.3% होखेला। संसद में भइल तीन बुंदे निर्णय महिला लोग के राजनीतिक अवसर मिले में महत्वपूर्ण भूमिका खेले बा। राज्य के हरेक निकाय में महिला सहभागिता 33% हो के महिला लोग के बारे में रहल विभेदपूर्ण कानून सब के खारिज करे के माई के नाम से नागरिकता देवे के जौन तीन बुंदे निर्णय भइल रहे उ राजनीति में मात्र न राज्य के हरेक निकाय आ तह में महिला लोग के सहभागिता बढ़ावे में महत्वपूर्ण भूमिका खेलते आ रहा। महिला लोग के अवस्था में बहुत सुधार आयल बा। विभिन्न आंदोलन भइल जैसे जन आंदोलन, मधेश आंदोलन, माओवादी के जन आंदोलन, ये सब आंदोलन से महिला लोग के अनिवार्य सहभागिता के व्यवस्था भी रहे। माओवादी के आंदोलन में तो अभी 50% महिला सैनिक में अनिवार्य रहे। मधेश आंदोलन में घर में रहे वाला महिला भी सड़क पर जाके जन आंदोलन कैलक। जन आंदोलन में भी महिला लोग जन एकदम सक्रिय रूप से आंदोलन कैलक। ये सब से उ लोग के अगाड़ी आके उ लोग के एगो चेतना जागल, उ लोग के विश्वास एगो राजनीतिक में गैला से हमने के अच्छा होकर एगो विश्वास जागल आ वही से उ लोग अगाड़ी आएल। और बाद जब संविधान जारी भइल ओमें महिला लोग के अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कैल गई बा अभी के नया संविधान में। वही से एक बार महिला लोग के अवस्था बहुत अच्छा भाव। आज के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब इसने रहा। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसा लागल अपन सुझाव सलाह और हन प्रतिक्रिया भेज सकता। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज नेपाल टेलीविजन पोस्ट बक्स नंबर 3826 सिंह दरबार काठमांडू नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन यह समय इसने जानकारी मूलक कार्यक्रम लेके रउआ लोग के टेलीविजन के स्क्रीन पर आबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही रउआ लोग के भाई होके नमस्कार शुभ दिन। राम जी से पूछे अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी बता द बबुआ अरे राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी बता द बबुआ तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी एक भाई गोर काहे एक काहे कारी बता द बबुआ अरे एक भाई गोर काहे एक भाई गोर काहे एक काहे कारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ बूढ़ा बाबा के पतल पतल दाढ़ी ये बूढ़ा बाबा राम जी है हो ई बूढ़ा बाबा के पतल पतल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पतल पतल दाढ़ी अरे देखन में पातर खाए भर थारी बता द बबुआ अरे देखन में पातर देखन में पातर खाए
बबुआ लोगवा देत काही गारी बता द बबुआ लोगवा देत काही गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काही गारी बता द बबुआ लोगवा देत काही गारी बता द बबुआ राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी राजा दशरथ जी कैलनी होशियारी अरे एकटा बरद पर तीन तीन गोनारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ राम जी से पूछे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी।